आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 10वां अध्याय। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास हुए। गोमेर के पुत्र अशकनज, रिपत और तोगर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तर्शीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबुत का हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेख, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और नीनवे, रहुबोतीर और कालह को, और नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रुसी, कसलुही, कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तबहित, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिवी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोईम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेप, हसरमावेत, येरह, यदोरवाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अभिमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र ये ही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं। और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई।